रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। राम राम। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन अखिल ब्रह्मांड के अधिपति साक्षात परम ब्रह्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन प्राकट्य हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। एक समय माता पार्वती जी ने भगवान शिव से अपने पूर्व जन्म में उपजे संशय के निवारण के लिए विनय भाव से पूछती हैं, हे प्रभु, जो परमार्थत्व ब्रह्मा के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्मा कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं और आप भी दिन रात आदर पूर्ण पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मे निर्गुण और अगोचर कोई और राम है? कृपया अपने वेदों के सिद्धांतों के अनुसार श्री रघुनाथ जी की शुद्ध महिमा का वर्णन करें। तब भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक रघुनाथ जी के दिव्य रूप को हृदय में धारण किया और उनके पवित्र चरित्र का हृदय से वर्णन करते हुए कहा, सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है, ऐसा ऋषि पुराण पंडित और वेद सभी कहते हैं। जो निर्गुण अरूप मतलब निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है, वह भक्तों के प्रेम से सगुण बन जाता है। श्री रामचंद्र जी सर्वव्यापी ब्राह्मण सर्वोच्च एक सर्वोच्च भगवान और पुराण पुरुष है, यह बात सारी दुनिया जानती है। वेद और पंडित जिनका इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिनकी ओर ध्यान देते हैं, वे हैं भक्तों के हितैषी दशरथ नंदन अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी। मैं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करना चाहता हूँ, जिनके नाम का जप करने से सभी सिद्धियाँ आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। मंगल की धाम दुष्टों को हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले बालक रामचंद्र जी मुझ पर दया करें। वेद कहते हैं, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ उस दिन सभी तीर्थ श्री अयोध्या आते हैं। रामचरित सत कोटि अपरा श्रुति शारदा को परेशान नहीं किया जा सकता। भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, श्री राम का चरित्र 100,000 या अनंत है, श्रुति और शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। जब जब धर्म का पतन होता है और नीच अहंकारी राक्षसों की वृद्धि होती है और वे ऐसे अन्याय करते हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता है और ब्राह्मण गाय देवता और पृथ्वी पीड़ित होते हैं, तब उन पर वंति वंति की कृपा होती है। शरीर धारण करने से सज्जनों का दर्द हर जाता है, वे असुरों का संहार करके देवताओं की स्थापना करते हैं, अपने श्वास से वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और संसार में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। यही श्री रामचंद्र जी के अवतार का कारण है। भगवान कृपा सागर भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने त्याग और मर्यादा के महान धर्माचरण का उदाहरण दिया।
रामायण और पुराणों में वर्णित भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का मुख्य उद्देश्य मृत्यु लोक में मानव जाति के आदर्श जीवन के लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शन प्रदान करना था। भगवान की इस पावन लीला में भाग लेने के लिए भगवान शंकर स्वयं रुद्रावतार में भगवान हनुमान के रूप में प्रकट हुए। भरत जी की श्री राम भक्ति धन्य है, जिन्होंने वनवास के समय अपने बड़े भाई प्रभु श्री राम की गद्दी पर विराजमान किया। गांव की आज्ञा पाकर भरत जी ने नदी ग्राम में पर्णकुटी का निर्माण कराया और नंदीग्राम में 14 वर्ष तक पर्णकुटी का निर्माण कराया, उसमें रहते थे। इसी प्रकार धन्य है वह संत समुदाय गिद्धराज जटायु माता सबरी, जिसने सनातन ब्रह्मा प्रभु श्री राम जी का सानिध्य प्राप्त कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त की। धन्य है अयोध्या नगरी, जहाँ मोक्ष के धाम भगवान श्री राम प्रकट हुए और भारत भूमि पावन देवों की भूमि बने। दक्षिणे लक्ष्मण यशव में तू जनकात्माज, मैं रघुनाथ जी की पूजा करता हूँ, जो लक्ष्मण के दाहिनी ओर जानकी जी के बाएं ओर और हनुमान जी के सामने विराजमान हैं। राम रक्षा स्तोत्र। मैं भगवान श्री राम की वंदना करते हुए ऋषि बुद्ध कौशिक कहते हैं कि आदम पहर तरन रन दाता रन सर्व संपदम, लोक भी राम श्री राम भूयो भूयो नमामे अहम्। समस्त विपत्तियों को हरने वाले, सुख संपत्ति देने वाले इस संसार के प्यारे और सुंदर भगवान राम को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम। राम रक्षा स्तोत्र में भगवान श्री राम की वंदना करते